आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हम जानते हैं आप भी देश की इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारा वादा है हम फैसिलिटेट करेंगे, आप वादा करिए आप इनोवेट करेंगे। आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं आप भी देश की इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने। हमारा वादा है हम फैसिलिटेट करेंगे, आप वादा करिए आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है हम रिफॉर्म करेंगे, आप वादा करिए आप परफॉर्म करेंगे। हमारा वादा है हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे, आप वादा करिए आप पॉजिटिव डिसरप्शन करेंगे। हमारा वादा है हम हाई ग्रोथ पर ध्यान देंगे, आप वादा करिए आप हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे। बड़ा सोचिए, देश के लिए सफलता की बहुत सी गाथाएं हमें मिलकर के लिखनी है। आज का भारत दुनिया में संभावनाओं की सबसे बड़ी धरती है। आज का भारत वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करता है। एक मजबूत भारत पूरी मानवता का बहुत बड़ा विकास कर सकता है। एक समृद्ध भारत पूरे विश्व की समृद्धि का रास्ता बना सकता है। हमें इनोवेशन, इंक्लूजन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मंत्र याद रखने हैं। मैं देश और देश के बाहर रहने वाले हर भारतीय से कहूंगा, भारत के हर सामर्थ्य से कहूंगा, आइए इस यात्रा में
हम सब मिलकर के एक साथ चलें। आइए भारत को विकसित बनाएं, क्योंकि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि है।